अगर कोई बवासीर से परेशान है तो मैं आज आपको चार पांच ऐसे देसी नुस्खे बताऊंगा कि बवासीर 100% जड़ से खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो। मैंने कई दिन पहले भी आपको चार पांच नुस्खे बताए थे और चार पांच नुस्खे मैं आज बताऊंगा आपको। इतने आसान है और बहुत घरेलू में बनाना है, कोई बना लेगा उसे। जिसने इस्तेमाल कर ली 100% बवासीर खत्म। क्या है भाई साहब? देखो भाई साहब, ये मदार का पौधा, ठीक है, इसे आर्क का पौधा भी कहते हैं, कौवे का पौधा भी कहते हैं। इसे जब पत्ता आप तोड़ोगे तो इसमें दूध निकलेगा, ठीक है। ये देखो आप, यह दूध निकलता है, नीले रंग के फूल खिलते हैं इस पे। अच्छा, आपको आर्क के पौधे की पूरी जड़ निकालनी है, जड़ समेत, जैसे मैंने निकाली है जड़। हमें काम इसकी जड़ से है। अरे ये तो दूध, हाँ हाँ, ये जड़ है इसकी। भाई साहब, ये जड़ को इतनी काट लो आप, पौधा उखेड़ के फावड़े की मदद से या खुरपे की, जैसे आप निकाल सको, जड़ निकालनी है। और इसे धूप में कुछ दिन सुखा के फिर इसे जलाना है आपको, ठीक है। इसे जलाने के बाद इसकी बनानी है राख। अच्छा, राख बनाने के बाद भाई साहब, एक चम्मच राख केले में मिलाकर किसी भी तरह से, और 7 दिन आपको खानी है। अच्छा, जिसे अच्छा? बवासीर हो, अगर 7 दिन, ये सन्यासी का बताया हुआ नुस्खा है। अच्छा? अगर 7 दिन किसी ने मदार के पौधे की जड़ की राख खा ली केले में मिलाकर, जिंदगी भर के लिए बवासीर की शिकायत खत्म हो जाएगी भैया। अच्छा भाई, अरे वाह, एक तरीका तो हुआ ये। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, जलेबी खाई है। जलेबी जिसे बवासीर हो वो घर पे जलेबी बनावा शुद्ध देसी घी में, शुद्ध देसी घी में, और उन्हें बखर में तलने के बजाय, चीनी के बखर में, उन्हें मूली के रस में तलना है, यानी डालना है। तलने के बाद में जो डालना है बखर में डालते हैं ना हम तो मीठा करने के लिए, बखर बनने के लिए, तो बजाय बखर में डालने के उनको तलने के बाद मूली के रस में डालना है। मूली के रस, इतनी सी जलेबी बनाने, करीब 100 ग्राम, ठीक है। और सिर्फ 5 दिन खानी है जलेबी वो। अच्छा, मूली के रस में बनी भी हुई, अच्छा, देसी घी की बनी हुई, 5 दिन के बाद हमेशा के लिए बवासीर की शिकायत खत्म। अच्छा भाई, अरे दूसरी दवा हो गई। एक दवा मैं आपको बताता हूँ, ये कहता है रीठा, रीठा जिसे लोग बालों पे लगाते हैं। रीठे का पाउडर पंसारी दुकान में मिल जाएगा, ठीक है। लोग सोचते हैं रीठा सिर्फ बालों के लिए होता है, अगर किसी को खून आ रहा हो बहुत तेजी से और नहीं रुक रहा हो खून, तो आधा चम्मच रीठे का पाउडर लें, पंचानी के मिल जाएगा। अच्छा। और आधा चम्मच, आधा कप गुनगुने पानी में उसे मिला के हल्के गुनगुने में और पी जाएं। अच्छा, वो जीभ पे भी लगेगा, गले में थोड़ा सा लगेगा। अच्छा, लेकिन भाई साहब खून की शिकायत पहले दिन से ही बंद। अच्छा भाई, 5 दिन को ये कर ले, बहुत अच्छा। आधा चम्मच रीठे का पाउडर आधा कप पानी में मिलाकर पीना है, गुनगुने पानी में, रात को किसी भी टाइम। अच्छा, किसी भी टाइम खाली पेट पियेंगे तो और ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, शाम के 5 बजे या सुबह को। तीसरा तरीका हुआ ये, ठीक है। चौथा तरीका भाई साहब, ठंडा दूध लें, ठंडा दूध, उबला हुआ दूध नहीं हो, उबला हुआ दूध नहीं हो। ठंडे दूध में सुबह को 1 कप ठंडे दूध में 1 नींबू निचोड़ लें। अच्छा, ठंडा दूध फटेगा नहीं, गर्म में डालोगे दूध फट जाएगा, और एकदम से दूध को पी लें। अच्छा, एकदम से 4 दिन ये कोई पी ले, बवासीर की शिकायत खत्म। अच्छा भाई, 4 चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई। एक और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बताओ। एक होती है छोटी हरड़, छोटी हरड़, हाँ। और एक होते हैं निम्बोली, नीम की निम्बोली, हाँ होती है। एक होता है बकायन, बकायन, ये नाम ध्यान रखना। एक होता है रसौत, रसौत। ये 4 चीजें पंसारी की दुकान से बराबर बराबर तादाद में ले लें। अच्छा, 50-50 ग्राम, 50-50 ग्राम, क्या क्या बताया मैंने आपको, छोटी हरड़, नीम की निम्बोली, रसौत और बकायन। बकायन, बकायन अलग चीज है। अच्छा, ये 4 चीजें बराबर ले ले, इसे सुखा के मिक्सी में इसका चूरन बना ले। हाँ, हाँ। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम। हाँ। 10-12 दिन जिसने चूरन खा लिया उसकी शिकायत भी बवासीर की बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, बड़े पेटेंट नुस्खे जी क्या है भाई साहब? इसके अलावा भाई साहब, उड़द, राजमा, चना, पत्ता गोभी, चावल, तली हुई चीजें, इसका परहेज करें, चाय ज्यादा ना पिए, ज्यादा मसाले की चीजें, ज्यादा मसाले की चीजें ना खाएं, और ये चीजें बादी है, ये गर्म होती है, और चाय ज्यादा ना पिए, बादी तला भुना, ये परहेज करना है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, अचानक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई दवा नहीं है, उसके लिए भी एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एक टब में गुनगुना पानी कर लें, ठीक, और उसमें बैठ जाए भाई साहब, ये वाला हिस्सा जो है बैक साइड का, वो नीचे आना चाहिए पानी के अंदर, पानी के अंदर। अच्छा, तो एक तरह से बवासीर की जगह की जो है सिकाई हो जाएगी गुनगुने पानी से, दर्द सूजन एकदम फौरन कम हो जाएगी। ठीक है यार, ये तरीका भी बहुत बढ़िया तुम्हारा। और अगर उससे भी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप भाई साहब, एक कपड़े में बर्फ लेके और उस जगह पर लगा लें, लेटरिन की जगह पर। अच्छा, कुछ देर लगाए रहे या फिर किसी आइस बॉक्स में बर्फ भर के, जो आइस बॉक्स होते हैं घर के अंदर, उसे सीट पर रख के उस पर बैठे जाए। अच्छा, तो ठंडी सिकाई हो जाएगी, तब भी खून आना एकदम बंद हो जाएगा, दर्द एकदम बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तरकीब याद रखना भाई साहब, बुजुर्गों की बताई हुई बड़ी मेहनत की तरकीब है, इनमें से एक भी जिसने इस्तेमाल कर ली उसकी बवासीर हमेशा के लिए खत्म। और अंजीर का इस्तेमाल करें, अंजीर से लैटरिन खुल के आती है, ढीली होके आती है। अच्छा अच्छा, पेट साफ अच्छा कम रहती है, पेट साफ रहेगा। अच्छा, ये 4-5 चीजें आप इसका ध्यान रखें, और जो भी इस्तेमाल करेगा फायदा पहुंचेगा। इस बात को अपने यार दोस्तों को ही बताएं। बहुत अच्छी बात बताई, ठीक है भाई।